दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। मथुरा से मौजूदा सांसद और बीजेपी की ओर से एक बार फिर से उम्मीदवार हेमा मालिनी क्या कुछ कहती है वोटिंग को लेकर, चलिए सुनते हैं। हवा बाकी लोगों का नहीं है, इनका बहुत हवा है मोदी जी का। हेमा मालिनी को आपने सुना के एक बार फिर से बीजेपी की हवा है मोदी रखकर के उनको लगता है। तो हॉट सीट कौन कौन सी है वो आप स्क्रीन पर देख पा रखे हैं, कौन कौन वहां से उम्मीदवार हैं वो भी हम आपको दिखा रखे हैं, और कांग्रेस नेता राज बब्बर क्या कहते हैं, चलिए शुरुआत देखें। सस्पेंस है, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेता सस्पेंस है तो हम तो प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, हम तो सस्पेंस बना के ही रखेंगे। आप लोग बब्बर और पंडित चौधरी आदि नाम से पुकारते हैं, देखिए प्यार से यहाँ पर मुझे बहुत नामों से पुकारा जाता है, कोई मुझे बब्बर कहता है, कोई मुझे गब्बर कहता है, कोई मुझे छोरा कहता है, कोई मुझे हमारो है कहता है, कोई मुझे भैया कहता है, कोई मुझे बिल्लू कहता है। ये मेरे यहाँ पर लोगों के साथ में रिश्ते हैं, अपने अलग 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 नाम से मुझे बुलाते हैं। भैया जो लड़ने आए उनसे पूछो, मैं तो लड़ने नहीं। सशक्त भारत के लिए सब लोग मतदान करें, और ये उत्सव है लोकतंत्र का, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता हो और एक मजबूत नेतृत्व और एक मजबूत भारत के लिए सब लोग इस उत्सव में सहभागी हों। यूपी इस बार किस तरीके से देखा जा रहा है, क्या महागठबंधन की हवा है, श्रीकांत जी किस तरह से? देखिए हवा महागठबंधन की तो फुस हो गई है, क्योंकि वो उनकी जो नेता हैं मायावती जी वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही, उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया, और कंफ्यूजन है। ऊपर नेताओं में तो गठबंधन है, लेकिन नीचे जो जमीन पर गांठ है तो वो इतनी आसानी से गांठ खुलने वाली नहीं है। इस वक्त की वोटिंग को लेकर, तो लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण की वोटिंग जारी है, अभी तक वोट प्रतिशत कितना है एक बार फिर से आपको दिखा देंगे, बड़ी खबर आपको बता रखें कि मथुरा की अगर बात की जाए 8.82% यानी कि लगभग 9% वोट हुआ है। इसके अलावा बुलंदशहर में 11.3% मतदान किया गया है, वोट किया गया है। तो यूपी की कुल मिलाकर 8 सीटों पर मतदान होना है, बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग जारी है, 12.27% लोगों ने वोट किया है। कर्नाटक की बात की जाए 1.41 बहुत कम है, असम की पहले भी आपको आंकड़ा दिखाया 11.61% लोग वोट कर चुके हैं, महाराष्ट्र में बहुत कम 0.85% और जम्मू कश्मीर में 0.99% 1% से भी कम इन दो जगहों पर अभी तक वोट किया गया है। तो वोट कम किए जाने के क्या कुछ मायने हैं वो भी सवाल है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख पा रखी है, रक्षा मंत्री की ओर से वोट किया गया है, कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम वोट करने पहुंचे हैं, उनकी ओर से अपील भी की गई है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट करें, अपने मत का इस्तेमाल करें। दक्षिण फिल्मों के हीरो और साथ ही फिलहाल के नेता रजनीकांत की ओर से भी वोट किया गया है। तो खबरें अभी तक भी आपसे अपील करता है, अपने घरों से निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, वोटिंग कीजिए, ये बड़ा सबसे बड़ा अधिकार है अपने आप में डेमोक्रेसी में। तो 12 राज्य जिनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है पुडुचेरी, वहां वोटिंग जारी है। अभी यूपी की अगर बात की जाए, सुरेश यादव हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से जुड़े हैं, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। यूपी का मिजाज क्या कहता है, आप बहुत नजदीक से देखते हैं चीजों को, राजनीति को यहाँ के। जी आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, बात रखिए। बिल्कुल आवाज आपकी मिल पा रही है, बात रखिए। चलिए एक बार फिर से आपका रुक करेंगे। मान साहब, ये जो जाति का फैक्टर हमने बीच में छोड़ा था, क्या लगता है कि गठबंधन आपको नुकसान करेगा? अगर दलित भी साथ आते हैं, यादव जी में पिछड़ों की अगर बात की जाए वो भी आते हैं, मुस्लिम को भी ऐड कर लिया जाता है, आरएलडी है तो जाट समुदाय को भी अगर मिला लिया जाए, बड़ा झटका आप लोगों को? नहीं देखिए ज्योति, इसके अंदर गौर देने वाली बात यह है कि अगर आप पिछली बार का चुनाव देखेंगे, जिस प्रकार से आज 8 सीटें यूपी में पोलिंग पे जा रही हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इनमें से 4 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 4 ओपन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इनमें अगर आप गौर से देखेंगे तो ये तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी को, सारी कास्ट जो कास्ट डायनेमिक्स हैं उनको आप कंसिडरेशन में ले लो सब कुछ,
उसके बावजूद ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को हैं। नगीना में 21% शेड्यूल कास्ट वोट है और 46% उसके अंदर मुस्लिम वोटर्स हैं। अगर आप इनको कंबाइन कर लें तो ये 21 और 46 मिलके 67 के लगभग बैठ जाता है, 70 के आसपास। तो भी वो वोट भी इन ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा एमपी हैं नगीना से, यशवंत सिंह, उनको मिले थे। अगर आप मथुरा की बात करें तो मथुरा सीट भी आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, हेमा मालिनी जी के पास है। उसके अंदर भी अगर आप कास्ट डायनेमिक्स को वर्कआउट करेंगे तो वहां पे एमजीपी ने आरएलडी से कैंडिडेट दिए नरेंद्र सिंह। तो मेरा कहने का भाव ये है कि अगर आप पिछला ट्रैक लेके चलेंगे तो ये कास्ट डायनेमिक्स जितने भी हैं वो सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूला के आगे ढह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इससे एविडेंट, इससे बड़ा आपको कोई एविडेंस नहीं मिलेगा कि यूपी के अंदर महागठबंधन के जो अपने आप को कहते हैं कि साहब हम प्रधानमंत्री पद का चेहरा है, हाँ। मायावती जी, वो खुद चुनाव नहीं लड़ रही हैं। ओके। तो मेरा केवल इतना कहा गया कि बाद में किसी भी सीट को खाली करवा के वो चुनाव लड़ लेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे, सुरेश जी, वो एक अलग विषय है, परंतु जो पहला टेस्ट है उसमें तो आपको लड़के देखे ना। ठीक है, यूपी की 8 सीटों पर आज वोट किया जा रहा है, सभी 8 सीटें बीजेपी के पास है और सीट बचाने की चुनौती है अपने आप में। सुरेश जी, क्या मिजाज, क्या लगता है यूपी के वोटर्स का आपको? सुरेश जी, क्या लगता है, क्या मूड है यूपी के वोटर्स का? पिछली बार की बजाय अगर तुलना की जाए पिछली बार की, तो बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि जो सीटें बीजेपी के पास हैं उनको बचा कर रखा जाए, उन पर कब्जा जोखे बरकरार रखे। बोलिए जी। यूपी का बड़ा महत्व होता है देश में, बिना उत्तर प्रदेश का जो है वो कहा जाता है कि देश का प्रधानमंत्री जो है उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। विशेषकर उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं और 80 सीटें में 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 73 सीट मिली थी और जिसके दम पर, उत्तर प्रदेश के दम पर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे। लेकिन आज 2014 की जो चुनाव है वो स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत है। 2014 में स्टेट में अखिलेश यादव की सरकार थी और 2014 में सेंट्रल में यूपीए सरकार थी। यूपीए सरकार के घोटालों से जुड़े हुए मामले और आए दिन जो स्कैंडल के खुल रहे थे, आए दिन उनके मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा देश में माहौल बनाया जिससे पूरे देश में बदलाव की लहर चली 2014 में, और वो लहर आंधी में तब्दील हो गई थी और उस लहर के बदौलत हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत दिलाने में एक भूमिका अदा की थी। ठीक है। लेकिन आज 14 की तिथियां नहीं है। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में देश से वादा किया था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, अच्छा, 5 सालों तक मामला भाषणों तक सीमित रहा, अदालत तक सीमित रहा, लोगों में ये भी हर्षोल्लास था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत जब मिलेगा तो राम मंदिर ही नहीं कश्मीर की समस्या का भी समाधान होगा, 370 भी खत्म की जाएगी, आतंकवाद भी खत्म किया जाएगा, सीमाएं मजबूत की जाएंगी, रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, तमाम तरीके के वादे किसानों, नौजवानों से, मजदूरों से किए गए थे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत से वादे पूरे हो पाएंगे। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर वादों के लिहाज से जनता को निराश किया है सरकार ने, इस बात पर आप काउंटर कीजिएगा वान साहब। लेकिन उससे पहले राजीव रंजन रॉय जी, जो वोट प्रतिशत बहुत कम है उसके मायने क्या समझे जाए? ये बड़ा ज्योति जी, ये बड़ा मतलब मैं थोड़ा सा ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ कि महाराष्ट्र में और कर्नाटक में इतना कम क्यों है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 12 बजे के बाद ये पिकअप करे, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये कोई शुभ संकेत नहीं है। बिल्कुल। अगर देखिए, अगर हम यह कहते हैं कि जो लोकसभा
चुनाव हो रहा है, राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, और राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव हो रहा है तो नेचुरली दो नेशनल पार्टीज हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, इनके पक्ष विपक्ष में जम के वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन कर्नाटक में ये थियरी कहीं ना कहीं ये वहां दो स्टेट्स में फिट नहीं बैठ रहा है। क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से लोग वहां वोट नहीं कर रहे हैं, लोकलाइज्ड लेवल के इश्यूज से उतने डिसअपॉइंटमेंट है, या उनको ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टियों को, ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है, लेकिन बिहार में देखिए जबरदस्त वोटिंग हो रही है, बाकी स्टेट्स में काफी अच्छा है, बिहार में मुझे लगता है कि अभी सबसे ज्यादा हो रहा है। हाँ। तो वहां का जो पोलराइजेशन मुझे लगता है कि पिछले साल से ज्यादा वोट करने की तरफ ये पांच विधान लोकसभा क्षेत्र बिहार में बढ़ रहे हैं, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र का ट्रेंड अभी मैं यही कहूंगा कि शायद ये बढ़े 12 एक बजे के बाद पिकअप हो, अगर नहीं होता है तो ये बहुत ही मतलब चिंता की बात है, और इसका नुकसान देखिए राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा के चुनाव में इसका नुकसान देखिए राष्ट्रीय पार्टी को भुगतना पड़ता है। सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर आज की इस लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी है, हमें इस बात को मानना पड़ेगा, चाहे कोई माने ना माने, इस यह जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव है, और कर्नाटक में वो लास्ट लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। हाँ। और उस परफॉर्मेंस को रिपीट करने के लिए अगर 2014 का वोटिंग परसेंटेज इस टाइम का निकालेंगे तो मुझे लगता है कि 7-8% का डिफरेंस आ रहा है, ये कुछ कह रहा है, इसको हमें लगता है कि एनालाइज करने की जरूरत है। आप कौन सा फैक्टर देखते हैं इसके पीछे की पिछली बार की तुलना में इसी समय तक का जो आंकड़ा है वोट का वो बहुत कम है? कोई नहीं, थोड़ी देर में होगा कुछ, मौसम बदला है, थोड़ी सी किसान अपने खेतों में है और नुकसान अधिक हुआ है, उसका भी हो सकता है, और कुछ ही देर में आपको दिखेगा परसेंटेज ठीक से आ जाएंगे और हमें बढ़ जाएंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि इस पे कोई ज्यादा असर पड़ेगा, और वोट परसेंटेज जो भी जाएगा आज का पूरे दिन का, मुझे लगता है कि जिस तरह की हम लोग पहले चरण में देख चुके हैं कि 70% के आसपास गया था, उसी तरीके का इस बार भी होगा, क्योंकि मतदाता इस बार जागरूक है, ठीक है, और डालेगा वोट। अभी अगर नहीं निकले तो मैं फिर आपको इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि सब लोग वोट के लिए वोट किया जाना चाहिए। बिल्कुल, हम भी बार बार अपील करते हैं भाटीवाल जी। अभी यूपी के वरिष्ठ पत्रकार को आपने सुना जिनका कहना है कि जितने बड़े वादे किए गए थे, जितने अच्छे दिन के सपने दिखाए गए थे वो पूरे नहीं हुए, उससे जनता में निराशा है, वो बीजेपी के लिए परेशानी हो सकता है, एग्री करते हैं बात से? ज्योति जी, जो पत्रकार ने कहा उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। अब मैं आपको मान साहब की बात पर आता हूँ। मान साहब ने कहा कि ये जो महागठबंधन है ये बेमेल है। अगर बीजेपी गठबंधन कहीं करती है वो तो मेल खाता है। अच्छा। नीतीश कुमार की पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया, नीतीश कुमार वो ठीक है इनके लिए जो है। अगर बीजेपी बसपा आरएलडी का गठबंधन होता है तो ये बेमेल बताते हैं। बताइए कि बीजेपी और सपा ना, बीजेपी एनडीए का हिस्सा रखे, वो धुर विरोधी एकदम से साथ आ जाते हैं। बीजेपी करे, बात सुनिए, सपा और बसपा दोनों जो है पीड़ित हैं, पीड़ित समाज है। एससी वो दलित का प्रतिनिधित्व करती है और अखिलेश जी बीसी के कमजोर वर्ग। कीजिए फिर ब्रेक लेंगे। ज्योति, सुनिए, मेरा निवेदन ये है कि जो ये कहते हैं कि बहुत पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तो भारत के अंदर, देखिए भाटीवाल, देखिए मेरा नाम है रमनीक मान, मेरे प्रश्न मेरे से पूछा गया, मेरा उत्तर ले लीजिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक बार जो पीड़ित और शोषित जिनको ये बता रहे हैं उनका अगर आप एक बार इकोनॉमिक्स डाटा निकलवा लें कि कितनी संपत्ति अखिलेश यादव जी के पास है और मायावती जी के पास है और उनके समाज का जिनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं उन लोगों की क्या हालात हैं, तो आपको साफ तौर पे जाहिर हो जाएगा कि इतने साल पिछड़े और दलित की राजनीति करने के बाद सिवाय अपनी मूर्तियां लगाने के, अपने घरों को, अपने खजानों को जवाब देना चाहूंगा। आप जानते हैं आपके पार्टी के, आप जानते हैं, हाँ तो एनडीए है भाई, कहते हैं एनडीए, आपने भी तो यूपीए की सरकार चलाई, गठबंधन आवश्यक है, नहीं नहीं, आपको बसपा सपा, जो बसपा सपा के गठबंधन के बारे में कांग्रेस को इतना क्यों, कांग्रेस इतनी पीड़ा क्यों, आपको लात मार के बाहर निकाल दिया, आपको लात मार के बाहर निकाल दिया, इस बात की पीड़ा है क्या कांग्रेस पार्टी को? बसपा सपा ने अपने गठबंधन में आपको नहीं शरीक किया, आपको इस बात की पीड़ा है क्या? तो अगर आपको पीड़ा है तो आप इनको जाहिर कीजिए, आप टीवी चैनल पे इनको डिफेंड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? मान साहब की बात का जवाब लेंगे।